यार अगर आप इंडियन यूट्यूब कम्युनिटी में एक्टिव हो तो आपको पता होगा रिसेंटली काफ़ी सारे चैनल्स जो है वो हैक हो रहे थे, कुछ उनको ईमेल्स आ रहे थे या जो भी सीन था। तो सबसे पहले तो बता दूँ, आज मेरे साथ है यहाँ पे राहुल भैया नमोकार गेमिंग वर्ल्ड से। हेलो भाई, कैसे हो? तो इनका चैनल, तीनों के तीनों, चार चैनल या तीन चैनल, चार चैनल? चार चैनल इनके हैक हुए थे और तीनों के तीनों मेरे चैनल भी हैक हुए थे, लेकिन मेरे उसी वक्त रिकवर हो गए थे। तो पूरी स्टोरी समझाता हूँ क्या हुआ था। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, काफ़ी लोग मेरे से कहते रहते हैं कि अनमोल भाई कोई घर बैठे बैठे अर्निंग का सोर्स बता दो जिससे हम थोड़ा बहुत अपना खर्चा निकाल सके और हमें कुछ भी इन्वेस्टमेंट ना करनी पड़े। तो आज मैं आपके लिए एक ऐसी ऐप लेकर आया हूँ या वेबसाइट लेकर आया हूँ जिसकी मदद से आप ये काम कर सकते हो। तो इस ऐप का नाम है अर्न करो। ये बेसिकली एफिलिएट मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट पे वर्क करती है और जो दूसरी एफिलिएट मार्केटिंग वाली वेबसाइट्स है उनसे अच्छी है ये, क्योंकि ये मार्केट में नहीं है तो अभी कैप्चर करना चाहती है मार्केट को। तो इसलिए आपको जो कैशबैक है वो दूसरी वेबसाइट से बहुत ज़्यादा मिलता है इस वेबसाइट में। तो मैं ज़्यादा समझाता नहीं हूँ, मैं आपको सीधा इसका डेमो दिखा देता हूँ कि कैसे कैसे आप अर्न कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करना है, वहाँ से अर्न करो कि ऐप को डाउनलोड करना है। उसके बाद आपको सिंपल सा साइन अप करना है, नाम अपना, ईमेल एड्रेस डाल के, अपना मोबाइल नंबर डाल के एक पासवर्ड सेट करना है, ओटीपी आएगा उस ओटीपी को डाल के आपको साइन अप कर लेना है। उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की स्क्रीन आएगी। तो यहाँ पे देख सकते हो आपके पास 1500 से ज़्यादा यहाँ पे वेबसाइट्स का सपोर्ट है जिससे आप कैशबैक कमा सकते हो, जैसे अमेजोन, मिंत्रा, फ्लिपकार्ट, इसके अलावा आजियो और भी बहुत सारी है। तो कोई प्रोडक्ट अगर आप इनकी सीधा ऐप से खरीदते हो तो आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसे कि प्रॉफिट कितना मिल रहा है आपको, तो वो सब आपको मिल जाएगा पर सेल के हिसाब से। लेकिन मान लो अगर आप कोई अमेजोन से प्रोडक्ट खरीदना चाहते हो, मान लो आपको एक 2080 Ti खरीदना है 1,15,000 रुपये का, तो आपको उसके पेज पे जाना है, वहां से आपको इसका लिंक जो है वो कॉपी करना है जो भी आपका प्रोडक्ट है, और फिर जाना है आपको अर्न करो कि ऐप पे, वहां पे लिखा होगा मेक लिंक का ऑप्शन, वहां पर जाके इस लिंक को और आपको बस पेस्ट करके मेक प्रॉफिट लिंक पर क्लिक करना है। अब अर्न करो आपको एक नया लिंक देगा, तो आप अगर इस लिंक की मदद से कुछ भी चीज खरीदोगे या ये लिंक आप अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, वो इससे कुछ भी खरीदेगा, वो जैसे ही इस लिंक से खरीद लेगा तो आपको जो है वो कैशबैक आपके माई अर्निंग सेक्शन पे मिल जाएगा। अब ये कैशबैक जो है वो एज अ पेंडिंग शो होगा, लेकिन जैसे ही इसका रिटर्न पीरियड खत्म हो जाएगा ये पेंडिंग से चेंज हो जाएगा सीधा कंफर्म में, और सीधा आप फिर उसके बाद इसको अपने बैंक में ट्रांसफर कर सकते हो। तो यार इतना सिंपल सा है, बिल्कुल अर्न करो से कैशबैक कमाना, खुद खरीदो या दूसरों को खरीदवाओ, फ्लाइट टिकट बुक करो, जो मर्जी करना करो, आपको सब में कैशबैक मिलेगा अच्छा खासा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखा है, फटाफट से डाउनलोड कर लो। मेरा इंसिडेंट थोड़ा सा पुराना है तो मेरे को टाइम नहीं मिला बीच में, तो अभी राहुल भैया आए थे तो हमने सोचा एक वीडियो बना दी जाए। लेकिन इनके अभी अभी रिकवर हुए चारों चैनल, तो थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं मैंने चैनल्स के। तो स्टोरी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको अपना ही बता दूं, जी तो मेरे साथ देखो क्या सीन हुआ। मुझे AJ गेमिंग एक मेरा चैनल है जिसमें मैं GTA 5 के गेम प्लेस डालता हूँ। ठीक है। तो हम यूट्यूबर्स के लिए एक स्पॉन्सरशिप आना काफ़ी नॉर्मल सी बात है कि कोई भी ब्रांड हमें कॉन्टैक्ट करती है, हमारी ये एप्लीकेशन है, हमारा ये सॉफ्टवेयर है, हमारा ये प्रोडक्ट है, इसका आप रिव्यू कर दो, हम आपको इसके बदले इतने पैसे दे देंगे या वो प्रोडक्ट आपको दे देंगे। ठीक है। तो इसी तरह से मेरे पास एक ईमेल आता है, वो क्या कहते हैं कि उनका एक क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर है कोई, तो उससे क्या होता है, जैसे कि काफ़ी लोगों को पता होगा गूगल स्टेडिया के बारे में, तो कुछ उसी तरह का उनका कॉन्सेप्ट था सॉफ्टवेयर वाइज, जिससे आप अपने PC या मोबाइल के ब्राउजर में ना कॉन्सोल्स की गेम खेल सकते हो सारी। तो उन्होंने कहा कि ये हमारी वेबसाइट है, आप इस वेबसाइट पर जाओ, यहाँ से एक सॉफ्टवेयर डाउनलोड करो उनका जो था, और हमें उसका एक रिव्यू बना के भेज दो अनलिस्टेड लिंक में, जैसे ही वो हो जाएगा हम आपको $500 जो है वो पे कर देंगे। मेरे को $500 था, दूसरों को पता नहीं क्या बोला होगा। तो ठीक है, मैंने भाई ठीक है नॉर्मल लगा मुझे, जैसे हमेशा होता है सब ब्रांड्स के साथ यही होता है मेरा। तो मैंने उनकी वेबसाइट खोली, उनका सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया, मैंने ये जो मेरे PC पीछे PC पड़ा है इस पर मैंने वो डाउनलोड किया, मैंने इंस्टॉल किया। इंस्टॉल के बाद 10 मिनट तक वो लोडिंग होती रही। अच्छा। उसके बाद एक मैसेज लिख के आया कि सॉफ्टवेयर जो है वो इंस्टॉलेशन नहीं हुई है, प्लीज रीस्टार्ट योर कंप्यूटर। मैंने रीस्टार्ट करा, मैंने फिर से सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करा, वो नहीं हुआ सेम। तो मैंने ब्रांड को ऐसे ऐसे ईमेल करा कि आपका सॉफ्टवेयर नहीं हो रहा, और मैंने वो उस मैसेज का स्क्रीनशॉट लेके भेजा कि ये आ रहा है। उसके बाद से उन ब्रांड का कोई ईमेल नहीं आया मुझे रिप्लाई। तो यहीं पे जो था वो सारा सीन हो चुका था। अब क्या है, उसी दिन की बात है, रात के 7-8 बज रहे थे और 2 दिन बाद मुझे हिमाचल के लिए निकलना था घूमने के लिए। तो मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं कुछ होटल बुकिंग कर रहा था, मेरे पास एक ईमेल आता है मेरे पहले अनमोल जायसवाल वाले चैनल पे। ईमेल क्या था कि आपकी जो चैनल की ओनरशिप है वो किसी और के नाम पे हो गई है। अच्छा। मतलब मैं भी था उसका ओनर, लेकिन हाँ। कोई और ऐड हो चुका है उसकी ओनरशिप में। हाँ, ये आता है गूगल बिजनेस की तरफ से ईमेल। ठीक है। तो मेरे को नहीं समझ आया क्या चीज़ थी क्या नहीं थी। फिर मेरे दूसरे चैनल पे भी सेम ईमेल आई। उससे पहले नहीं पता था तुम्हें इन चीजों? नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं पता था इन चीजों के बारे में। फिर मेरे तीसरे चैनल पे भी सेम चीज आई। अच्छा। ठीक है, मेल आ गई लगातार, तीन मेल तीनों ईमेल पे आ गए कि तीनों आपके ओनरशिप किसी के साथ शेयर हो गई। और थोड़ा सा खटका लग गया था। हाँ, तो मैं आपको स्क्रीनशॉट डाल दूंगा उसका, मैंने ले रखा है स्क्रीनशॉट, सारे प्रूफ है मेरे पास। तो मेरे को उस टाइम पे थोड़ा सा अजीब लगा कि ये क्या चीज हुई है। अब इसी दौरान मतलब ना ये 3 से 4 मिनट ही हुए होंगे, मैंने एक दो मतलब
जान पहचान के थे मार्केटिंग एजेंसीज वाले, उनकी यूट्यूब से थोड़ी जान पहचान थी। मैंने उनके पास फोन किया कि ऐसे ऐसे हुआ, मेरी चैनल की ओनरशिप जो है वो दिखा रहे किसी और के पास चली गई है, मेरे पास भी है उनके पास भी चली गई है। तो वो कह रहे हम मतलब इस चीज़ में नहीं कर सकते, आप ईमेल ही करो यूट्यूब को ऑब्वियसली। तो मैंने उनको चैट के थ्रू कॉन्टैक्ट किया, तो यूट्यूब की चैट जो है वो उसी वक्त आपको रिप्लाई कर देती है, ईमेल नहीं आता जल्दी, लेकिन हाँ इंग्लिश में आपको 24/7 रात के 1 बजे भी करो, उस वक्त 7-8 बज रहे थे रात के। मैंने फटाफट से उनको ईमेल करा, मैंने उन्हें बताया कि ऐसे ऐसे है, तीनों की मेरे को एक ईमेल आया, तो उन्होंने कहा कि आप ईमेल का स्क्रीनशॉट जो है हमारे साथ शेयर कर दो। तो ऐसे ऐसे वो देखते हैं, तो वो ये बताते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि आपका जो YouTube चैनल है ना वो बिजनेस अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया गया है। तो बिजनेस अकाउंट का मतलब ये होता है कि आपके साथ साथ आपकी टीम मेंबर भी उसको एक्सेस कर सकते हैं, मतलब आप एक तरह से मैनेजर ऐड कर रहे हो अपने चैनल पे। तो उस हैकर ने क्या किया था, मैं आपको बताऊंगा वो हुआ कैसे, लेकिन मैं अभी बताता हूँ कि ये सब क्या था। तो मेरे चैनल पे एक वो बंदा था डेविल करके जो भी था, वो तीनों चैनल पे एक तरह से मेरा मैनेजर बन चुका था चैनल का। अब वो कोई भी वीडियो डिलीट कर सकता था, कोई भी वीडियो अपलोड कर सकता था, लेकिन हुआ क्या, अभी भी जो मेन ओनरशिप थी वो मेरे हाथ में थी। अब वो बंदा तीन तीन चैनल पे अपनी ओनरशिप लेने के चक्कर में उन्होंने टाइम वेस्ट करा बहुत, तो उतने में मैंने एक्शन ले लिया, मैंने यूट्यूब को बताया, उन्होंने मेरे को स्टेप्स बताए कि किस तरह से आप सेटिंग्स में जाओ, वहाँ पे जो भी मैनेजर आप उनको किकआउट कर सकते हो। उन्होंने मेरे को फटाफट से तीनों चैनल से किकआउट करवा दिया, मैंने पासवर्ड चेंज करे तीनों चैनल के फटाफट से, और टू स्टेप वेरिफिकेशन। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कोई भी अकाउंट चला रहे हो इंस्टा का, फेसबुक का, यूट्यूब का, आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन रखो। उस टाइम तक मुझे नहीं पता था, लेकिन अक्कल आ गई एक ही दिन में। तो ये सब हो गया सीन पूरा का पूरा। अब यानी कि वो चैनल हैक होने से बच गए, हैक हो चुके थे वो, लेकिन उसने कुछ भी स्टेप नहीं लिया, मतलब मेरे को चैनल डिलीट नहीं किया या मेरे को किकआउट नहीं, ऐसा कुछ नहीं किया मैंने उससे पहले उसको कर दिया। ठीक है, उसके बाद फिर से रात को मेरे पास ईमेल मतलब मैसेज, जब आप टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन कर लेते हो तो जब भी कोई आपके अकाउंट में लॉगिन करता है ना तो आपके पास एक मैसेज आता है कि ये लॉगिन आपके अकाउंट के थ्रू आपने किया, येस या नो। तो अगर मैं येस कर देता उसको वो फिर से एक्सेस मिल जाता, लेकिन वो मैंने नो कर दिया तो वो था। लेकिन अभी भी चक्कर ये था कि मतलब उसके पास एक्सेस है पासवर्ड, मैं जबकि पासवर्ड चेंज कर चुका हूँ, लेकिन फिर भी उसके पास वो पासवर्ड पहुंच रहा है किसी तरह। आपने समझा कि वो पीसी के थ्रू कर रहा है। हाँ, तो अब ये सीन क्या हुआ, जो मैंने उनकी वेबसाइट से सॉफ्टवेयर डाउनलोड किया था वो एक तरह से कहते हैं फिशिंग स्कैम करके कुछ कहते हैं ऐसा। तो ये क्या करते हैं, आपके पूरे पीसी का एक्सेस वो सॉफ्टवेयर ले लेते हैं, जबकि वो असली कोई सॉफ्टवेयर होता ही नहीं है, उसमें कुछ तरह का वायरस या हैकिंग कुछ होता है, और वो एक तरह से बैकएंड में काम करता है। वो आपके पीसी आपको के दिखेगा नहीं, वो आपकी जो सारी फाइलें हैं पीसी की, अभी की जो करंट की फाइलें हैं वो भी वो वहां ट्रांसफर कर रहा है, और इन फ्यूचर भी जो फाइलें होंगी, आप चाहे अपना पीसी फॉर्मेट कर दो। यहाँ लोगों को लगता है कि पीसी फॉर्मेट करने से हमारा ठीक हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अभी अनमोल भाई बताएंगे कि क्या उसके लिए करना होता है। और मेरी जो चार चैनल है, जो मैं आपको बता देता हूँ, हमारा मेन चैनल है अपना नमोकार चैनल्स PVT LTD, उस पर हमारे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, तो अब आप समझ सकते हैं। और गेमिंग वर्ल्ड का चैनल था, लाइव गेमिंग था, नवकार पोएट्री चैनल था, तो ये चारों चैनल का एक्सेस मेरा इसलिए चला गया क्योंकि मैंने पीसी पर चारों चैनल लॉगिन किए हुए थे, और मेरे एक आईडी से दो चैनल थे, यानी कि मैंने एक ही मेल आईडी से दो चैनल बना रखे थे, और इस तरह से दो मेल आईडी लॉगिन थी, तो चारों चैनल मेरे एक साथ चले गए। तो आप सोच सकते हो कि उस समय क्या बीती होगी दिल पर, जिनका एक चैनल भी जाता है और उन्हें पता कि कितनी मेहनत लगती है बनाने में, और मेरा तो चला ही गया था। मतलब जैसे भाई ने तो क्योंकि मेल आया, अब मैंने क्या कि अपने मेल आईडी पर, इनकी भी स्टोरी समझाते हैं जी, बताइए हुआ क्या। फिर उसके बाद वो सब सीन हो गया पूरा का पूरा। तो अभी जैसे भैया ने बताया कि पीसी अगर आप फॉर्मेट भी कर दे तो तब भी उनके पास एक्सेस रहता है, तो मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने अपनी सिर्फ सी ड्राइव जो है वो फॉर्मेट करी थी, जिसमें विंडोज थी और फ्रेश विंडोज से ही हो जाएगा क्योंकि सी ड्राइव में सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो करने के बाद भी उस बंदे के पास पासवर्ड जा रहे थे, लेकिन एक ये एडवांटेज था कि टू स्टेप वेरिफिकेशन ऑन थी, जब तक मैं अपने मोबाइल से यस नहीं करूंगा वो लॉग इन नहीं कर पाएगा। और कई बार क्या होता है, बेध्यानी में कर देते हैं तो वो दिक्कत हो जाती। तो इसका क्या सोल्यूशन था, सबसे पहली चीज तो आपको अपनी रैम को निकाल कर रखना है कम से कम 1-1.5 घंटा। उससे क्या होता है, आपकी जो कैश मेमोरी होती है वो सारी की सारी उड़ जाती है, तो अगर आपके कोई भी उसका हैकिंग सॉफ्टवेयर आपके रैम में इंस्टॉल होता है तो वो सारा गायब हो जाता है। दूसरी चीज, आपके हार्ड डिस्क, जितनी भी हार्ड डिस्क है पीसी में, सारी फॉर्मेट करनी पड़ेगी, चाहे जितनी इंपॉर्टेंट फाइल्स हो आपकी। जैसे मेरी 1 TB की 2 लगी हुई थी SSD 128 GB। अगर वो डेटा हम एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव में कॉपी करना चाहें तो हाँ, वो मैंने फिर एक्सटर्नल वाला, तो जैसे डी ड्राइव और ई ड्राइव थी, वो मैंने एक्सटर्नल
हार्ड डिस्क में कॉपी करी। सबसे पहले काम करना है, जैसे आपके साथ कुछ भी होता है आपको पीसी से इंटरनेट को डिस्कनेक्ट करना है, चाहे आप लैन केबल के थ्रू कनेक्ट हो, चाहे आप वाईफाई के थ्रू कनेक्ट हो। आप अगर कोई हैकर एक्सेस कर पा रहा है तो वो इंटरनेट के थ्रू ही कर पा रहा है, क्योंकि बैकएंड की फाइलें जो ट्रांसफर हो रही है इंटरनेट के तो पॉसिबल नहीं है। सबसे पहले आपको इंटरनेट अनप्लग करना है, उसके बाद कोई एक्सेस नहीं है, चाहे आप पीसी ऑन है चाहे आपका पीसी ऑफ है। तो जैसे ही आपको अनप्लग करने के बाद अपना बैकअप लो डेटा का और सारा कुछ फॉर्मेट मार दो, एक सॉफ्टवेयर होता है जिसका नाम होता है जीरो फॉर्मेट। तो उससे क्या होता है, आपके जो डिस्क में बैड सेक्टर्स भी होते हैं ना, जो जैसे आपको पता होगा जिनको टेक्निकल इन्फॉर्मेशन है, अगर आप कोई भी चीज फॉर्मेट करते हो तो वो हार्ड डिस्क में रहती है, बस वो स्पेस क्लियर हो जाता है ऊपर, उसके कॉपी हो जाती है, लेकिन वो चीजें फाइल है अभी भी। तो एक वो बैकअप में काम आती है। तो ये एक चीज होती है जीरो फॉर्मेट करके, जिससे आपकी फैक्ट्री रीसेट हो जाएगी पूरी ड्राइव, मतलब कोई भी बैड सेक्टर या कोई भी फाइल उसमें नहीं रहेगी। ठीक है, तो आपको ये चीज करनी है और इंटरनेट से डिस्कनेक्ट करने के बाद करनी है, फिर नया विंडोज इंस्टॉलेशन करना। उसके बाद से मुझे कोई दिक्कत नहीं आई, लेकिन भैया के साथ क्या सीन हुआ, भैया के पास ईमेल आया ही नहीं वो ओनरशिप वाला, या भैया के पास आया भी था आपने ध्यान नहीं दिया। मैं बताता हूँ, मेरे पास मेल आया शाम को 7 बजे के आसपास, मेरे पास मेल आया और मैं एक्चुअली कुछ और काम कर रहा था। और एक्चुअली होता क्या है कि हमारे जैसे मोबाइल में तीन चार, पहले आप ये बताओ आपके साथ शुरू से हुआ क्या, जैसे मेरी ये स्टोरी थी आपके साथ क्या हुआ। ठीक है, शुरुआत से मैं बताता हूँ, मेरे पास बहुत दिनों से तकरीबन महीना 15 दिन से मेल आ रहे थे मेरे पास लगातार, अलग अलग पर्सन के आ रहे थे। कोई मुझे $500 ऑफर कर रहा था और एक ने मुझे $999 ऑफर कर दिए, तो वो वाली मेल तो मैंने टच ही नहीं करी, क्योंकि मुझे लगा कि यार इतना चैनल की मेरी वर्थ नहीं है कि कोई बंदा मुझे $1000 क्यों देगा एक वीडियो बनाने के। तो जो मेरे पास $200-$250 का एक स्पॉन्सरशिप का मेल आया तो मैंने उस पर क्लिक किया, और जो आपने किया था सेम वही चीज़ मैं की, वो चीज़ मैं दोहराना नहीं चाहूँगा। सेम क्लाउड गेमिंग का फंडा था, वही फिशिंग मेल थी, और सेम जो आपको उन्होंने जिस लैंग्वेज से आपको मेल किया था सेम वही लैंग्वेज मेरे लिए यूज़ की थी उन्होंने, और वही सब चीज़ें बताई थी। और उसमें उन्होंने ये भी मेंशन किया था भाई आप अलग अलग कैंपेन गेम्स वगैरह खेलते हो, ये यूनिक है आपका चैनल, तो थोड़ा उनके क्यों वो इन चीज़ों में एक्सपर्ट होते हैं, उन्हें बात बनाने का तरीका आता है जिससे हम उनकी बातों पर बिलीव करें। और मेरे साथ क्या था कि मैंने पहले स्पॉन्सरशिप ज़्यादा करी भी नहीं थी, अनमोल भाई तो करते रहते हैं क्योंकि हमारा चैनल अभी उस स्टेज पर पहुँचा नहीं है, तो मुझे लगा कि यार चलो हमारे लिए फर्स्ट स्पॉन्सरशिप है तो हमें करना चाहिए। मतलब वो आपको ना ऑफर ऐसा देंगे कि आप लालच में फंसोगे उस चीज़ की। लेकिन मैंने आपसे बताया ना कि $1000 वाला भी था, लेकिन मुझे लगा कि यार ऐसा नहीं है, लेकिन $200-$250 तो मैंने कहा 10-15 हज़ार रुपये तो हम भी डिजर्व करते हैं, तो मैंने उस चीज़ के लिए आगे मैंने प्रोसीड की वो चीज़। और जैसा आपने बताया कि वो सॉफ्टवेयर पे जो लिखा हुआ आता है वही सब चीज़ें मैं रिपीट नहीं करूँगा, वही सब सेम मेरे साथ भी हुआ, लेकिन मेरी गलती ये रह गई कि ना तो मैंने 2-स्टेप वेरीफिकेशन जो था उसे भी लॉगिन पूरे प्रॉपर तरीके से नहीं किया हुआ था, लेकिन एक चैनल पर किया हुआ था जो हमारा मेन चैनल था 1.6 मिलियन वाला, लेकिन उन्हें भी उन्होंने बाईपास कर दिया। Okay. अब वो कैसे किया उसके बारे में मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने ये इन सब चीज़ों से सिर्फ इतना ही समझदारी ये सीखी है मैंने, तो कि एक तो कभी भी जिस पीसी में, जैसे वो पीसी था हमारा जिसमें हम लाइव स्ट्रीम करते थे, तो एक तो उस पर अदर चैनल को लॉगिन नहीं रखना चाहिए कभी भी। अगर आपका किसी पीसी पर एक ही चैनल का काम है तो आप उसी को लॉगिन रखो, या उसे भी लॉग आउट कर दो, जब काम खत्म हो जाए दोबारा से लॉगिन कर लो, आपका OTP आ जाएगा आपके पास। तो 2-स्टेप वेरीफिकेशन ज़्यादा बहुत ज़रूरी है। और इसी के साथ साथ कहीं भी कोई भी मेल आता है तो जो भी आपके सर्कल में यूट्यूबर्स होते हैं, मेरी सेकंड मिस्टेक ये रहेगी, मैंने अनमोल भाई से इनका कॉन्टैक्ट नंबर मेरे पास था, वासफ का था, तो मैंने बात नहीं की, क्योंकि अनमोल भाई का ये सीन हुआ था मुझसे पहले और इनकी मेरे से बात नहीं हो पाई, नहीं तो ये मुझे बता देते। अगर मेरे दिमाग में जरा सा भी ये आइडिया होता कि ऐसा कुछ चल रहा है इस समय, तो मैं बिल्कुल भी उस चीज़ के फेवर में नहीं होता, तो लेकिन ऐसा कुछ था ही नहीं। लेकिन बस वही है कि जो चीज़ होनी होती है हो जाती है, और उस टाइम पर एकदम से मेल पर भी मैं ध्यान नहीं दे पाया, यही हुआ इनके साथ। जैसे मेरे तो फोन हाथ में, हाँ, आपके हाथ में मिल गया, अब जैसे मेरा फोन रखा मैं एडिटिंग कर रहा हूँ, तो यार अब 24 घंटे तो इंसान क्या है कि नोटिफिकेशन पर नजर नहीं मारता। और एक और बात क्या है कि हमारी मेल आईडी पर अदर भी वैसे मेल आती रहती है, जोमेटो की आ गई, क्योंकि अगर हम कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करते हैं उसके लिए हमें मेल आईडी डालनी पड़ती है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है, हम सोचते हैं ऐसी बेकार का कोई मेल होगा, हमने नहीं पढ़ा उसे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें दोस्तों केयरलेस ही है कहीं ना कहीं, मैं तो यही कहूँगा कि हमारी भी कुछ कमी रही होगी, तो आपको उन सब चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपका चैनल भी नहीं, मैं आपसे मतलब आपके उन चैनल के साथ हुआ क्या, चार के साथ, मतलब जब उनने चले गए चैनल, मेन चैनल और गेमिंग चैनल पर गलत, कितने कितने सब्सक्राइबर्स थे वो भी मैं आपको बताता हूँ। मेन चैनल नमोकार चैनल SPVT LTD पे थे हमारे 1.6 मिलियन सब्सक्राइबर, वो हमारा पोइट्री को डेडिकेट है चैनल, वहाँ पर आपको कवि सम्मेलन मुशायरे वगैरह की वीडियो मिलेंगी, जैसे कुमार विश्वास जी की आप देखना पसंद करते हो, राहत इंदौरी के शेर सुनना पसंद करते हो, ये सब तरह का कंटेंट मिलेगा आपको। बाकी जो नमोकार गेमिंग वर्ल्ड है
उसके बारे में तो आप लोग जानते ही होंगे, बाकी भाई चैनल को नीचे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। और अभी मैं अपनी तरफ से, मैंने ये बात अपने व्यूअर्स से सब्सक्राइबर से प्रॉमिस भी किया था कि जब हमारे चैनल वापस आ जाएंगे तो हम आपके लिए कुछ गिव अवे प्लान करेंगे, तो यहाँ बताएंगे, लास्ट में बताएंगे कि ये गेम का हमने गिव अवे आप लोगों के लिए किया, तो आप उसमें पार्टिसिपेट ले सकते हैं और जीत सकते हैं। तो इसी के साथ साथ उस पर हमारे लगभग 45,000 सब्सक्राइबर थे और अब 46 हो गए हैं आप जाकर तो। और उसके बाद नमोकार लाइव गेमिंग है जिस पर हम लाइव स्ट्रीम करते थे, तो वो चैनल तो अभी कुछ ही दिन पहले मेरा वापस आया, 5-7 दिन पहले। इतना टाइम लग गया, लगभग 3 महीने लग गए उसे। होता क्या है कि यूट्यूब की जो आपको रिप्लाई देने की वो है ना, वो बहुत स्लो है, मतलब आप ईमेल करते हो वो हमें स्लो लग रही है ये कह सकते हैं। एक्चुअली क्या है, उनका जो जितना स्टाफ होगा, यूट्यूब आज की डेट में जैसे हम सब जानते हैं कि हजारों लाखों चैनल बन चुके हैं, वो तो इंडिया की मैं बता रहा हूँ, करोड़ों चैनल मान लो अगर ऑल ओवर वर्ल्ड अगर हम देखेंगे तो उनके कितने सारे चैनल हैक हुए हैं आज भी। लोग मतलब इतना सब अवेयरनेस, अब ये पहले जब हमारे टाइम पर 3 महीने पहले इतनी अवेयरनेस नहीं थी, लेकिन अब बड़े बड़े यूट्यूबर्स के भी चैनल हैक हुए तो अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है। लेकिन अब भी बहुत सारे लोगों के, मैं अभी भी दिन रात सुनता हूँ कि चैनल हैक हो रहे हैं, मतलब अभी भी लोग जो है उस फिशिंग मेल में फंस रहे हैं। आपको सुनने में भी आया होगा, अभी भी हाँ, बहुत सारे केस ऐसे आ रहे हैं। हम ये वीडियो भी बना रहे हैं कि हाँ, लोगों को वो रहे कि अवेयरनेस पहले से। देखो दो टिप्स आपको दूंगा। सबसे पहले अगर आपके पास किसी भी ब्रांड का ईमेल आ रहा है हाँ, तो आप ये नोटिस करना उनका जो ईमेल एड्रेस है ना वो @gmail.com से आएगा हाँ, तो मतलब उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि अगर जो भी स्पॉन्सरशिप आती है बड़ी बड़ी, मैंने भी उस वक्त ये ध्यान नहीं दिया, वो उनकी खुद की वेबसाइट से आती है, तो वो @gmail.com है, जैसे GigaByte से आ रही तो @gigabyte.in आएगा। और एक और बात है दोस्तों, वो गूगल पे एग्जिस्ट भी करेंगे। आप अगर GigaByte है तो GigaByte आप लिखोगे, उनका प्रॉपर एड्रेस मिलेगा, कॉन्टैक्ट नंबर मिलेगा। एक बात यहाँ पर एक मैं और ध्यान दिलाना चाहूँगा कि वो जितनी भी आपके पास स्पॉन्सरशिप आएंगी, पहली बात तो आपके पास फॉरेनर कोई करेगा ही नहीं हाँ, क्योंकि आपकी वो ऑडियंस ही नहीं है हाँ। तो आपके पास इंडियन कोई भी स्पॉन्सरशिप आएगी, जैसे भाई के पास आती रहती है, और वो लोग कभी भी अपना एड्रेस कॉन्टैक्ट नंबर देने में कभी भी दिक्कत नहीं करते। बिल्कुल ये। तो क्योंकि मैंने उन लोगों से कॉन्टैक्ट नंबर मांगा था तो, लेकिन उन्होंने मुझे मना कर दिया कि नहीं, हम मेल पर ही डील करेंगे। तो आप समझ जाओ कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है, और कच्चा लालच हमेशा नुकसानदायक होता है। तो मेरा तो यही सबक रहा है कि इस चीज़ से सीखने को बहुत कुछ मिला है। और देखो यार, हर कोई स्पॉन्सरशिप चाहता है, हम भी मेहनत कर रहे हैं तो हमें भी ये लगता है हमारा खर्चा निकल जाए। तो आप लोग भी अगर ये चीज़ सोचते हैं तो गलत नहीं सोचते, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, और ये वीडियो जो हमने बनाया इसी पर्पज से बनाया है, तो आपको ध्यान रखना है। और देखो, अगर आपका हैक होता भी है ऐसा चैनल, तो इतना ज़्यादा घबराना मत, क्योंकि आपको YouTube वापस दे देगा चैनल, ये गारंटी है पूरी की पूरी। लेकिन आपको बहुत टाइम लग जाएगा, और जितने महीने वो लगेंगे आपका, एक तो इनकम नहीं हो रही उससे कोई भी, दूसरा जो ऑडियंस है वो भी गायब हो जाएगी आपकी, तो ये चीज़ नुकसान तो देखो है ही है। लेकिन एक बात यहाँ पर मैं ज़रूर कहना चाहूँगा, क्योंकि भाई का वो एक्सपीरियंस नहीं रहा, इनके चैनल पहले ही वापस आ गए थे, तो हमारे साथ तो 1.5 महीने तक ये चीज़ चली है जो हमारे बड़े चैनल थे। तो आपको YouTube से डेली कॉन्टैक्ट करना है, मतलब ये मत सोचना कि एक दिन मेल कर दिया दूसरे दिन नहीं करेंगे, क्योंकि उन लोगों को भी ये रहता है कि जो लोग हमारे साथ टच में है, बने हुए हैं लगातार, उनकी मदद करें, या वो भी अपने चैनल के लिए सीरियस है। और दूसरी बात ये कि एक दिन में एक मेल से ज़्यादा करना मत, क्योंकि दूसरे को भी अगर हम पैनिक क्रिएट करेंगे तो वो कहीं ना कहीं इरीटेट भी हो जाती है टीम। और यहाँ पर एक बात और मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मेल तो आप करते ही रहो, लेकिन इसी के साथ साथ अदर यूट्यूबर से भी जो भी आपकी हेल्प हो सके, ट्विटर वगैरह पे भी जो @ यूट्यूब सपोर्ट टीम है, वहाँ पर भी आप ट्वीट कर सकते हो। और ये ध्यान रखना कि दोस्तों आपका चैनल टर्मिनेट ना हो पाए। जो भी आपके चैनल पर अगर कुछ चेंजेस होता है तो आपको मेल में बताना ज़रूर है, जब जब चेंजेस हो रहा है आपके चैनल पर, कि अगर आपने हैकर हाँ नाम चेंज हो रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट लो, वहाँ पर भेजो, पहले ये नाम था वो ये नाम है। दूसरी एक और बात बताऊंगा कि जब भी आप अपना कोई YouTube चैनल शुरू करो और आपको लगता है कि मैं एक कंटेंट में बहुत मेहनत करता हूँ, उसका बैकअप हमेशा अपने पास रखो। यहाँ लोग बैकअप नहीं रखते, जैसे अब मैं बताऊँ नमोकार लाइव गेमिंग पर हमारी लगभग 300-400 वीडियो हैं, और उसका मैंने बैकअप नहीं रखा हुआ था अपने पास, क्योंकि लगता था यार YouTube पे तो पड़ी है, यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। अब वो चैनल ही टर्मिनेट हो गया क्योंकि हैकर ने गलत वीडियो लगातार वो डाले जा रहे हैं। पर यहाँ पर मुझे लगता है कि YouTube को अपनी इस सर्विस में, ठीक है वो चैनल लेट देता है ये बात सच है, लेकिन यहाँ इस चीज़ का सुधार मेरे हिसाब से करना चाहिए कि जैसा अगर हमारा ATM खो जाता है तो ATM कार्ड, मैंने उनसे भी ये बात मेल में भी लिखी थी कई बार कि भाई मैं मानता हूँ कि ATM मिलने का जो प्रोसीजर होता है उसमें टाइम लगता है, लेकिन ATM कार्ड हम ब्लॉक तो 2 मिनट में करा सकते हैं। भाई हमारा चैनल हैक हुआ है, हमने आपको प्रूफ दे दिए, कम से कम आप एटलीस्ट ये कर दो, हमारे चैनल को फ्रीज कर दो कि उस पर कोई गलत कंटेंट ना
डाल मतलब उस वक्त कर दो आप, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जिन लोगों के चैनल हैक हुए वो यूट्यूब को गालियाँ दे रहे थे कि उनकी वजह से हुआ, जबकि ऐसा कुछ नहीं था, ये यूट्यूब की वजह से नहीं, ये हमारी खुद की गलती से हुआ क्योंकि हमने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो हमारा पासवर्ड उनके पास। गलती कह लो या हमें कह लो यार, अवेयरनेस ही नहीं उस चीज़ की। तो हमें अब क्या यार, इतने सारे फंक्शन होते हैं, आप मोबाइल ही ले लो फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास कोई भी मोबाइल हो यार, एक मोबाइल में हजारों फंक्शन होते हैं, आप किसको नॉलेज है उन फंक्शन की क्या काम आते हैं, अब एक ही मोबाइल से आप पता नहीं कितना कुछ कर सकते हो, तो ऐसा नहीं होता। लेकिन बस मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपका चैनल आज हैक हो जाता है तो 48 आवर्स के अंदर अंदर यूट्यूब को एटलीस्ट इतना कर देना चाहिए, जब तक इसका हम अच्छे से सोल्यूशन ना निकाल लें या ये ना पता लगा ले चैनल हैक हुआ भी है नहीं हुआ है, तो एटलीस्ट उसे फ्रीज तो कर ही सकते हैं, कुछ अपलोड ना हो, अपलोड ना हो, चेंजेस ना हो पाए। बिल्कुल, तो चाहे भले ही अगर वो मेन ओनर भी ये सब हरकतें कर रहा है तो उसे भी कोई नुकसान नहीं होगा उस चीज का, ये चीज करनी चाहिए यूट्यूब को, है ना। मतलब मेरे हिसाब से चैनल भले ही चलो एक महीने उससे ही होगा, हमारे सब्सक्राइबर नहीं भागेंगे। मेरा नुकसान सबसे ज्यादा क्या हुआ, जो मैं भाई के साथ ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि यार मेरे जो गेमिंग वर्ल्ड के सब्सक्राइबर थे तो मेरे डेली 100-150-200 सब्सक्राइबर बढ़ रहे थे उस टाइम पर, अब मेरी ग्रोथ बिल्कुल रुक गई है और मेरे 30-35 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। मैं इतनी मेहनत करता हूँ, आप देखेंगे हमारे नमोकार गेमिंग वर्ल्ड चैनल पर जाकर, तो आपको सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा गेमिंग से रिलेटेड कंटेंट हमारे चैनल पर मिलेगा। सबसे पहले गेमिंग न्यूज़ हम प्रोवाइड करा रहे हैं और लाइव स्ट्रीम वगैरह हर नई कैंपेन गेम्स की करते हैं, भाई ने तो खुद देखा है, 6-6, 7-7 हज़ार रुपये की हम गेम परचेस करते हैं, और डिलक्स एडिशन जो रात को 12 बजे, मतलब अगर कोई गेम कल रिलीज होने वाली होगी तो उसकी लाइव स्ट्रीम आपको रात को 12 बजे मिलेगी हमारे चैनल पर। अब लास्ट ऑफ अस 2 आएगी, साइबर पंक है या डूम इटरनल है, ये जितनी भी गेम है, या जोम्बी आर्मी 4 की भी मैं बात करूँ जो फेब में रिलीज है, तो ये सबकी लाइव स्ट्रीम आप हमारे चैनल पर देख सकते हो। तो बहुत मेहनत होती है, तो आप एक बार जाकर देखो हमारा कंटेंट, अगर आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना और हमारे साथ जुड़े रहना। और अभी हम जो आपको पूरी चीज़ बता रहे हैं, आप भले ही वो चीज़ फील ना कर पा रहे हो, लेकिन मुझे पता है उस टाइम पे मेरी क्या हालत थी और उससे ज़्यादा बुरी हालत भैया की हुई होगी, क्योंकि इनके चैनल तो मेरा चैनल यार 5 साल पुराना है, आप ये देख लो 1.6 मिलियन जिसके सब्सक्राइबर हैं, और कहीं ना कहीं वो कह सकते हो हमारे लिए, मेरे लिए ब्रेड एंड बटर है, तो उससे मेरा खर्चा निकलता है क्योंकि मैं उस पर बहुत इन्वेस्टमेंट है, मेरा स्टाफ पूरा काम करता है, तो बहुत मेहनत होती है भाई। और YouTube आज की डेट में YouTube नहीं रह गया, वो करियर की तरह हो गया है, तो और आप समझ सकते हो इस चीज़ को। और जहाँ तक आप लोगों के लिए हमारा सरप्राइज था जो मैं अपनी तरफ से आप लोगों को चाह रहा हूँ कि देना, तो बता दें अनमोल भाई। हाँ, वो भी बता, और मैं ये कहूँगा कि मतलब ये चीज़ 3 महीने पुरानी है जब मेरे साथ हुई, लेकिन अभी तक मुझे ईमेल आ रहे हैं, आप मैं ऊपर डाल भी दूंगा वीडियो के, मतलब अभी तक वो लोग कोशिश कर रहे हैं जिनके हैक नहीं कर पाए कि ईमेल करते रहे, और हो सकता है ये आने वाले टाइम पे और अच्छे से वो करें। अरे मैं तो अब आपको बताता हूँ, मेरे पास आता है ना ऐसा कोई भी क्लाउड गेमिंग का कुछ भी, मैं स्पैम में डाल देता हूँ, स्पैम में ये बताते हैं कि अगर इनका ये है ना कि आप एक ईमेल आईडी स्पैम में डाल रहे हो, आपको फिर वो नई नई आईडी से आ रहे हैं, हर रोज आ रहे हैं, मेरे को ये गेमिंग पे रोज के 2-3 ईमेल आते रहते हैं इस चीज के, आते होंगे भाई, मतलब बहुत नुकसान है। ये मत सोचना कि आपका बड़ा चैनल है या छोटा चैनल है, वो हर किसी को फंसा रहे हैं, और वो पैसों के लिए भी नहीं, पता नहीं क्यों कर रहे हैं। नहीं, पैसे के लिए तो देखो होता ही है फंडा, मैं क्यों इसलिए बता रहा हूँ, अगर कोई चैनल हमारा आपसे कुछ डिमांड करी गई पैसों की, नहीं नहीं मेरे से डिमांड नहीं करते, वो लोग क्या करते हैं मैं आपको बताता हूँ। हमारा चैनल जैसे हैक हो गए थे, एक हफ्ते तक 10 दिन तक हमारे चैनल पर कोई चेंजेस नहीं हुए। अच्छा। मेरे हिसाब से अगर उन्हें चेंज करना होता तो वो अगले दिन ही कर सकते थे, लेकिन वो नहीं करते हैं, वो क्या करते हैं आगे सेल करते हैं, और जिसे सेल किया है फिर वो अपने हिसाब से उस चैनल को ऑपरेट करते हैं। भैया के मैं 3-4 चाइनीज वीडियो थे कुछ अजीब, ये तो मतलब अच्छा है, भगवान का शुक्र है कि जो हमारा मेन चैनल है उस पर गलत कंटेंट नहीं डल पाए, नहीं तो आप देखें 1.6 मिलियन की, और वो ऑडियंस ऐसी नहीं है कि जो आप और हमें, वहाँ पर बहुत ही एजुकेटेड और पॉलिटिकल पर्सन भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं, और वो पूरा कंटेंट ही अलग है, तो वहाँ पर अगर कोई भी गलत चीज़ डल जाती तो हमारे पे एक लीगल नोटिस भी आ सकता था, बहुत सारी चीज़ें हो सकती थी, क्योंकि उसमें काफ़ी पोएट्स वगैरह के भी वीडियो। हाँ, तो यहाँ पर दोस्तों बहुत मतलब मैं उस चीज़ को याद नहीं करना चाहता, वो मेरे लिए नाइटमेयर जैसा है। तो हम मतलब शॉर्ट में यही कहेंगे कि आपके पास कुछ भी ईमेल आता है तो आप बच के रहो इस चीज़ से। हाँ, कुछ भी सॉफ्टवेयर अपने मोबाइल में, पीसी में, लैपटॉप में इंस्टॉल करने से पहले अच्छे से उस, और आजकल दोस्तों ये चीज़ मोबाइल पर बहुत चल रही है, अभी एक नेटफ्लिक्स की भी सीरीज आई थी जमतारा करके, तो उसमें भी फिशिंग का दिखा रखा है, और ये गांव-गांव में मतलब इतनी ज़्यादा बढ़ गई, जैसे आप पेटीएम को लेकर होता है केवाईसी, आप इस बात को ध्यान रखना दोस्तों कि आप जितनी मतलब कहते हैं ना कि साइंस हमें जितना फ़ायदा चाहता है उससे ज्यादा हमारे लिए अभिशाप भी है, तो इस बात को आपको भूलना नहीं चाहिए, और किसी भी चीज के लिए केयरलेस कभी मत रहो। अपना मोबाइल है उस पर भी सिक्योरिटी रखो, पेटीएम वगैरह कुछ भी आप यूज करते हो, ये ध्यान रखो कि कोई गलत उसका मिसयूज ना कर ले, और इस बात से बस आपको यही है कि स्वस्थ रहो, व्यस्त रहो और मस्त रहो, सचेत रहना बहुत जरूरी है।
तो ये एपिसोड ऐसा लग रहा है जैसा क्राइम पेट्रोल का जैसा होता ना लोगों को सावधान सावधान। ठीक है, तो हमने इन्फॉर्मेशन जितनी देनी थी दे दी, अब भैया जरा गिव अवे का बता दो क्या सीन है क्या। अब दोस्तों मैं बता देता हूँ कि आपको पता ही है कि एक गेम जो 2018 के अक्टूबर में रिलीज हुई थी जिसका सभी को इंतजार था और सबसे बड़ी कंपनी मानी जाती है रॉकस्टार, तो GTA 5 के बाद रेड डेड रिडेम्पशन 2 एक ऐसी गेम मैं कहूँगा कि जो लोग बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं और जिसका कैंपेन एंड मल्टीप्लेयर दोनों ही लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। और अब जाकर वो गेम लास्ट ईयर दिसंबर में रिलीज़ हुई है पीसी पर, और अब जाकर उसकी हमने फिजिकल डिस्क तो अभी तक अवेलेबल नहीं हो पाई है, लेकिन वो गेम हमने स्टीम पर परचेस की थी और एक अलग से उसका ब्लैक फ्राइडे सेल पर भी आया था, वहाँ से भी मैंने ओरिजिनल वो अपने लिए भी परचेस किया हुआ है गेम। तो मैं चाहता हूँ कि उसका हम आप लोगों को गिव अवे करें, उसका मैंने वीडियो भी बनाया हुआ है, लिंक हम नीचे डिस्क्रिप्शन में देंगे, आपको जाकर वो वीडियो देखना है। और जो जो उसके अंदर हमने आप लोगों से डिमांड की है, जो जो हम चाहते हैं, आपको वो सब चीज़ें पूरी करनी है वहाँ पर, ज़्यादा कुछ नहीं है, आपका कोई इसमें खर्चा नहीं होगा, लेकिन आप उस वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना है। कितनी गेम्स दे रहे हो आप अभी रेड रिडेम्पशन 2 की, हम प्राइस भी बता दो उसका, उसका लगभग जो प्राइस है अभी भी आप जाकर देखेंगे तो 3,500 रुपए प्राइस है उस गेम का, तो 3200 रुपए स्टैंडर्ड एडिशन हम दे रहे हैं दोस्तों पीसी के लिए। तो आपका कुछ नहीं जा रहा, आपको बस कमेंट करना है जो भी है। बिल्कुल, आप एक बार वो वीडियो देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो इन फ्यूचर, क्योंकि अब मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, 14th February है, एनिवर्सरी है मेरी, वैलेंटाइन डे को एनिवर्सरी है, नोनी जी और मैं आपको हमारे चैनल पर आप देखते होंगे तो हम दोनों मिलते हैं, गेमिंग कपल बोलते हैं हमें सब लोग, तो हम सोच रहे हैं कि उस दिन आप लोगों के लिए अनाउंस कर दे कि कौन विनर है, तो उससे पहले जाकर फटाफट से जाके पार्टिसिपेट कीजिए और बस आप लोग जुड़े रहिए अनमोल भाई के साथ, हमारे साथ, और जो भी आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कराता रहता है उसे सपोर्ट आप लोगों को करना चाहिए। और अभी जिन जिनके ये केसेस हो रहे हैं हैक वाले, तो उन सबको सपोर्ट करो जो नए चैनल्स बना रहे अपने, या फिर जिनके वापस आ गए तो आप जाके सब्सक्राइब करो, उनकी वीडियोज़ देखो ताकि जो उन्होंने इतने टाइम में खोया है वो वापस मिल सके। बिल्कुल, तो चलो फिर इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आई। और दोस्तों बस मैं ये कहूँगा कि हमारे 46 के अराउंड सब्सक्राइबर हैं अभी, 46,000, तो जल्द से जल्द 50,000 उसे कराओ, क्योंकि हमें लगता है कि अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे अनमोल भाई की तो रीच बहुत है, तो 50,000 सब्सक्राइबर जैसे कंप्लीट हो जाएंगे तो हम फटाफट से उसका अनाउंसमेंट देंगे आप लोगों को। तो बस आप लोग जितना भी हो सके सपोर्ट करो, और जिस गेम की भी आप लाइव स्ट्रीम वगैरह देखना चाहते होंगे हमारे चैनल पर, तो जो मैंने वीडियो दी है वहां भी आप कमेंट कर सकते हैं, अनमोल भाई के चैनल पर भी कर सकते हैं, तो उसका मैं भी रिप्लाई कर दूंगा आपको कि जो भी आप गेम चाहते हैं हमारे थ्रू देखना तो वो सब आपको मिलेगी वहां पे। ठीक है जी, चलो जी, तो इस वीडियो के लिए इतना ही था, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना, और मैं मिलता हूँ आपसे इस तरह की एक और एक्साइटिंग वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं मत पड़ना फीका, बाय।